हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ में मैंने जो आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाया ही था, उसको कैसे जोड़ना है, हाउ टू जॉइंट, तो ये जो है मैं उसमें बता रही हूँ। मैं जोड़ने जाती थी, मैं सोची वीडियो शूट कर लेती हूँ और आपको बता दूँ, ताकि आपको ईजी रहे इसको जोड़ने में, दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि 4-6 मिले थे प्लास्टिक के, ये किनारे वाला, तो उसको मैंने जोड़ लिया है। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी, फिर भी निकाल कर मैं पहले चेक कर रही थी कि सही से बैठता है या नहीं बैठता है। ये देखिए, मैंने 6-3 है तो उसके रैक, तो उस 6 किनारे किनारे का था। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। उसे मैंने बहुत स्ट्रांगली जोड़ दिया था, इसलिए इसमें का निकल नहीं रहा है। देखती हूँ दूसरा वाला उसमें का निकलता है या नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल दी हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है, यहाँ पे देखिए ये जो होल है इसी साइड से जोड़ना, उस साइड से नहीं, उस साइड से वैसे भी नहीं जुड़ेगा। और हम लोगों को इस बात का भी ध्यान देना है कि नीचे दोनों साइड का जो पैर है वो दोनों एक ही साइड का हो, ऐसा ना कि एक उस साइड का कर दे, एक इस साइड का कर दे। मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ज्वाइंट करा, जो पहले थोड़ा सा ज्वाइंट कीजिएगा, उसके बाद आप जोड़ लगाइएगा। बिना ज्वाइंट किए ही जोड़ लगाएंगे तो चोट लगने का डर रहेगा। और बहुत भी केयरफुल यूज़ कीजिएगा, बिकॉज ये मेटल का है तो चोट लग सकती है। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये गैपिंग दोनों बराबर होना चाहिए, एक में एक साइड का ज़्यादा एक साइड का कम रहेगा तो आपका अच्छे से सेट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है। देखिए, इसमें का मेरा अच्छे से सेट नहीं हुआ था, तो मैं इसको सेट कर रही हूँ अच्छे से। इसको खूब ऐसे पूरा दीवार मतलब जोड़ लगा के आपको ज्वाइंट करना है। यहाँ पे सॉरी, मेरी मनु जो है आगे डिस्टर्ब कर रही थी, जो उसको तो हमें हर काम में वीडियो में जो है टांग लगाना आता ही है, पता ही आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रांगली तीनों का जो है जोड़ लगा दिया है अच्छे से, और ये दोनों में गैपिंग जो है बराबर है, तो यहाँ मेरा ये तीनों हो गया है। अब हम लोग इसका छोटा वाला जो पाइप है वो हम लोग ऐड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से, इसमें भी बहुत केयरफुली करना है क्योंकि ये मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है। प्लास्टिक का होता तो भी हम लोग जो ज़्यादा जोर लगाते हैं तो चोट लगने का डर रहता है। ये देखिए, यहाँ मैं इस तरह से लगा दूँगी। उसके बाद ये देखिए, मनु भी लगाने की कोशिश कर रही है मैं हटा रही हूँ उसको, लेकिन वो मान नहीं रही है। देखिए, बदमाशी कर रही हैं, उनका बदमाशी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये देखिए, उस पहले ऊपर से रख के मैं लगा रही थी तो नहीं, दिक्कत हो रहा था लगाने में, इसलिए मैंने उसको उल्टा करके इसको दूसरा वाला स्टैंड उसके ऊपर रख के जो है मैं लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक है जिसकी वजह से ये इसमें सेट नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरा पाइप लेके सेट कर रही हूँ। इसको कहीं और सेट करने की कोशिश करूँगी, सॉरी फॉर मनु नॉइस, क्योंकि मनु बीच बीच में यहाँ पर भी अभी टांग लड़ा रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब क्योंकि ये तीन स्लैब मतलब तीन रैक वाला है, तो अभी एक और ज्वाइन करना होगा, उसके लिए 4 पाइप और जोड़ेंगे हम लोग। उसको भी इसी तरह से उल्टा करके जोड़ेंगे, मीन्स कि इसको जो है, देखिए मैं कैसे जोड़ती हूँ भाई। ये देखिए, एक और बचा है। ये देखिए, यहाँ पहले हम लोग इस तरह से चारों इस तरह से जोड़ लेंगे नीचे से, मतलब उसके ऊपर रख करके। ये हमारा चारों जुड़ गया है। अब इसके ऊपर से हम लोग तीसरा वाला रैक रखेंगे और उसके ऊपर से इसको जो है ऊपर से रख के लगाएंगे, क्योंकि इसमें दो और नीचे लगा हुआ है, इसलिए अगर हम नीचे से उसको उल्टा करके लगाएंगे ना तो वो टूटने का डर रहेगा। तो ये ऊपर से इस तरीके से मैं लगा के पहले अच्छे से सेट कर लूँगी, उसके बाद जोर लगाऊंगी, क्योंकि बिना सेट किए अगर हम जोर लगाते हैं तो हमारा हाथ भी टूटने का डर रहेगा और वो भी टूटने का डर रहेगा, हमारा स्टैंड भी। इसलिए हम लोगों को पहले सेट करना है चारों को एक में। ये देखिए, मैंने सेट कर दिया है। अब हम लोग जितना मेरे पास दम है ना, उतना मैं दम लगा दूंगी इसको सेट करने के लिए। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ ब्लाइंड मिस्टेक जो है अच्छे से जोड़ा नहीं है, लगाया नहीं है, इसलिए मेरा वो सेट नहीं हो रहा था। मैंने बाद में देखा, मैं सोच रही थी क्यों नहीं सेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया है हमारा। अब हम लोगों को नीचे जो है, जो ये 4 लंबे वाले पाइप थे वो हम लोगों को ज्वाइंट करना है, उसके बाद वो हमारा ज्वाइन करने बाद ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा स्टैंड, किचन स्टैंड। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले, बाद में देखा था कि इसमें ज्वाइंट नहीं हुआ था अच्छे से, क्योंकि वो निकल गया था और मैं ज्वाइंट, मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं सेट हो रहा है अच्छे से।
इसलिए आप जब भी ज्वाइन करें तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दें कि चारों जो है आपका सेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो निकल जाता है तो हम लोग तो ध्यान देते नहीं है, फिर वो हमारा सेट नहीं होता तो फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सेट ही नहीं हुआ था, ठीक है, और वो उसमें जुड़ा है, मतलब लगा ही नहीं था और वो सेट नहीं हो पा रहा था पूरे अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड जो है आप किसी भी काम में ले सकते हैं, मीन्स कि आप किचन के अलावा कॉपी किताब भी रख सकते हैं। ये हमारा ज्वाइंट हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ज्वाइंट किया है मैंने और बराबर जोड़ना, इसलिए क्योंकि बराबर नहीं जोड़ोगे तो आपका हिलेगा जुलेगा, ठीक है। मैंने बराबर जोड़ लिया अच्छे से, अब ये हिल जुल नहीं रहा है। तो कैसा लगा मनु बदमाशी नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ज्वाइंट अच्छे से करना, क्योंकि ज्वाइंट अच्छे से नहीं करोगे तो ये जो आपका है ना ये सेफ नहीं होगा, ठीक है। तो ज्वाइंट अच्छे से करना, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। बड़ी मेहनत लगी है जोड़ने में, ठीक है, बिना सॉरी की हेल्प के मैंने जोड़ दिया है। आई होप सॉरी, आप बहुत खुश हो गए इस चीज को देख कर। चलो ठीक है, वीडियो को भी यही बंद करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.